सब्सक्राइब करिए डॉग्स बायोग्राफी यूट्यूब चैनल को, ताकि इस चैनल पे आपको डॉग्स की प्राइस, डॉग्स की प्रॉब्लम और डॉग्स यहाँ पर चीप प्राइस में मिल रहा है। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिले और आप जल्दी से जल्दी जाके उस डॉग को ले लें, ताकि कोई और ना ले पाए, इसलिए आप बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो में सिर्फ 10 प्रॉब्लम है, बाकी के 5 प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा। वो मैं इसलिए नहीं ला पाया इस वीडियो में ताकि ये वीडियो 7 मिनट की बन रही थी, जो आपको बो कर सकती है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लैब्राडोर की 10 प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ सकती है जब आप लैब्राडोर को पालोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं डॉग्स बायोग्राफी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लैब्राडोर अपने ओनर के साथ बहुत इमोशनल टच में रहते हैं और वो बहुत फ्रेंडली डॉग भी होते हैं और वो अपने ओनर के बहुत ज़्यादा वफादार भी होते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ, जैसे अगर कोई सी डॉग की फैक्ट्स होती है तो वैसी कोई डॉग की प्रॉब्लम भी होती है। तो आज हम वही लैब्राडोर की 10 प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, खाना खाते समय काटना। तो जिन लोगों ने लैब्राडोर पाला है या पाल रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग जानते होंगे कि लैब्राडोर खाना खाते समय काटते हैं। तो लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों लैब्राडोर खाना खाते समय काटते हैं? तो दोस्तों, पहली बात तो ये है, लैब्राडोर को पसंद नहीं होता जब वो खाना खाते हैं, तब वो पसंद नहीं होता कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। और दूसरी बात ये है कि हर लैब्राडोर अलग अलग नेचर का होता है, जिसमें से कुछ बचपन से फ्रेंडली होते हैं या कुछ अग्रेसिव हो जाते हैं। अब डॉग अग्रेसिव क्यों होते हैं, वो आपके ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसे अच्छे से सोशलाइज किए हो या ट्रेनिंग दिए हो, तब वो फिर अग्रेसिव नहीं होगा। या फिर अगर आप उसे बांध के रखे हो या फिर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उससे प्यार नहीं करते, तो वो धीरे धीरे थोड़ा अग्रेसिव होना चालू कर देता है। तो इसी कारण लैब्राडोर खाना खाते समय काटता है। अब ये बात सच भी है और झूठ भी, क्योंकि जिन लोगों ने लैब्राडोर को अच्छे से ट्रेन किया है या सोशलाइज किया है, वो खाना खाते समय नहीं काटता। बाकी जिनके अंदर हल्का हल्का अग्रेसिवनेस होता है, वो खाना खाते समय काटते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, स्मॉल अपार्टमेंट। तो जिन लोगों ने लैब्राडोर पाला है या पाल रहे हैं, वो ये बात जानते होंगे कि लैब्राडोर सुबह से शाम यहाँ वहाँ भागते रहते हैं और उनको अपने ओनर के साथ खेलना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इसी कारण लैब्राडोर स्मॉल अपार्टमेंट में कंफर्टेबल नहीं रह सकते। तो अगर आपके पास स्मॉल अपार्टमेंट है, तो आप लैब्राडोर को सुबह और शाम दोनों टाइम घुमाओ। प्रॉब्लम नंबर 3, हेल्थ प्रॉब्लम। तो लैब्राडोर को बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम भी होती है, जैसे हाइपरप्लाज्मा, बोन प्रॉब्लम, बोन कैंसर और स्किन एलर्जी। बोन प्रॉब्लम और स्किन एलर्जी के बारे में मैं भी बात करूंगा। और प्रॉब्लम नंबर 5, बोन प्रॉब्लम। तो पिछले 12 सालों में ये चीज़ देखा गया है, लैब्राडोर को बोन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये प्रॉब्लम उनके लेग में होती है। तो अगर आपके पास लैब्राडोर का पपी है, तो आप उसे अच्छे से कैल्शियम की जो सीरप आती है वो पिलाए, ताकि आगे जाके ये सब प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम नंबर 6, स्किन एलर्जी। तो बहुत सारे लैब्राडोर जो शॉर्ट कोट के होते हैं, उनके जो बॉडी होती है, मतलब उनका जो कोट होता है, उनके अंदर ना एक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे कहते हैं स्किन एलर्जी। तो या तो ठीक हो जाएगा या फिर ज़िंदगी भर का दाग बन जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 7, अलोन। तो बहुत सारे लैब्राडोर के जो ओनर होते हैं, वो अपने लैब्राडोर को घर में अकेला छोड़ देते हैं। और जब लैब्राडोर जब घर में अकेला होता है, जब उसे किसी का साथ नहीं मिलता, तब वो रोता है और हॉलिंग करता है जोर जोर से। और अगर ऐसा ज़्यादा बार होता है, तो फिर वो खाना भी नहीं खाता। प्रॉब्लम नंबर 8, कोल्ड वेदर। तो कुछ लैब्राडोर के शॉर्ट कोट होने के कारण उन्हें ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। तो जब ठंड आती है, तो आप उसके ऊपर क्लोथ पहना के रखें, ताकि उसे ठंडी कम लगे। प्रॉब्लम नंबर 9, हॉट वेदर। तो लैब्राडोर जो डबल कोट के होते हैं, जिनका जो कोट होता है थोड़ा भारी होता है, तो उनसे जो गर्मी है बर्दाश्त नहीं होती। तो गर्मी में आप उन्हें अपने जो रूम टेम्परेचर है उसमें रखें और बीच बीच में पानी देते रहें। प्रॉब्लम नंबर 10, अनदर ओनर। तो लैब्राडोर अपने ओनर के साथ बहुत इमोशनली रहते हैं, ये अपने ओनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके बहुत ज़्यादा वफादार भी रहते हैं। तो अगर आप इसे 1 साल पाल के किसी और को दे दोगे, तो ये उससे प्यार नहीं कर पाएंगे जितना प्यार ये आपसे करते थे। तो दोस्तों, यही थी लैब्राडोर की 10 प्रॉब्लम। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए रोज़ रेगुलर ऐसी 2 वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद। अलविदा मेरे दोस्तों, दुआ में याद रखना। और दोस्तों, शाम को 5 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ और लाइव आके मैं आपसे बात करूँगा, तो आप भी शाम को 5 बजे लाइव आ जाना। धन्यवाद। और अगर आपके डॉग को या पपी को कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपको डॉग का प्राइस जो चिप प्राइस में कहाँ मिलता है और कौन से स्टेट में क्या प्राइस है, या फिर अगर आपको डॉग का प्रॉब्लम
फैक्ट कुछ भी जानना हो तो मैं इसी चैनल में रोज रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, रोज रात को आता हूँ, तब आप मुझसे वहाँ के पूछ सकते हैं।